I'm pretty sure कि इस वीडियो को बनाने के बाद I'm gonna get a lot of negative comments. But you know what? पूरी वीडियो सच्चाई से बढ़ी हुई है. And I must tell this. Hey, Why? come here. <laughs> look, look, I made you come with my mouth, not your tongue. <laughs> ओमेगल को बनाने के पीछे का रीजन क्या था ऑब्वियसली सिंपल सी बात है दो अनजान लोग जो एक दूसरे को नहीं जानते बहुत दूर दूर में रहते हैं कभी नहीं मिले एक दूसरे से उन दोनों को बात करवाना सोशलाइज करवाना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मतलब इंटरेक्ट करवाना एक दूसरे से विदाउट आउट विद आउट शेयरिंग एनी वन पर्सनल इंफॉर्मेशन कोई भी किसी का कोई भी आइडेंटिटी नहीं बता सकता है देगा नहीं कहीं पर भी रजिस्टर करने की जरूरत नहीं टोटली totally सेफ मतलब ऐसा बोला जाता है हालांकि ऐसा है नहीं क्योंकि ओमेगल में टोटली एटीन प्लस कॉन्टेंट से शुरू करके यहाँ पे hackers, यहां पे साइबर बुलिंग यहां पे और भी तरह तरह की चीजें होती रहती है बट ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ही ज्यादा कॉमन है और बहुत ही मिनिमल है मतलब अगर हम लोग इन सभी चीजों के बारे में थोड़े से अवेयर है तो डेफिनेटली इनको इग्नोर कर ही सकते हैं टैकल तो इजीली कर सकते हैं बट यू नो व्हाट व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम प्रॉब्लम इज कि ओमेगल oh आज गल जिसलिए बनाया गया था वो रहा नहीं है देखो हर एक क्रिएटर चाहता है इवन मैं भी चाहता हूँ कि मेरे व्यूज बहुत ज्यादा आए बहुत ज्यादा ताकि उनको पैसे कमाने में बहुत मदद मिले उनको बहुत सारे जो है अपने नए नए ऑडियंस मिले ऑब्वियसली भाई हर एक बंदा चाहता है कि मुझे बहुत सारे व्यूज आए कॉमन सी बात है ना तो इसके लिए ना आजकल लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो चुके हैं वो केयर नहीं करते कि इसके बाद का जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है वो क्या हो सकता है यू नो की आज के टाइम पे ओमेगल में लोग कॉन्टेंट्स बनाने के चक्कर में की थज्जिया उड़ा के रखती है आजकल लोग वहां पे बात करने से ज्यादा ना दूसरे का मजाक करने के लिए गाली गलोच करने के लिए ज्यादा आते है यू वॉन्ट बिलीव अगर मैं कभी भी ओमेगल में जाता हूं दो घंटा रिकॉर्ड करता हूं या फिर ऐसे टहलने के लिए जाता हूं तो मतलब 90% ऐसे इंडियंस आते हैं जो कि मुझे गाली गलोच करके जाते हैं नॉट मुझे ओनली उनके अंदर यह चीज आ चुका है कि भाई किसी को भी देख लिया गाली गलोच और उनमें से तो 50% टाइम बच्चे होते हैं किड्स मतलब उनका 13-14 साल नहीं होता है वो गाली देके जाते हैं अब पता है इन सभी का मेंटेलिटी ऐसा क्यों बना है बिकॉज ऑफ द क्रिएटर्स उनको ना ये लगने लगता है कि बचपन में ना हम लोग किसी भी चीज के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है कि अगर ये बोल दिया तो क्या होगा अगर हम लोग ये चीज करने लगे तो क्या होगा ये सोच नहीं आता है हम देखते कि वो सामने

इट इज अनबिलीवेबल समटाइम्स अब मैं ये चीज नहीं बोलता अगर ये फॉरिन कंट्रीज के लिए होता क्योंकि मैं मुझे कोई परवाह नहीं है कि बाहर दु, दुनिया में क्या हो रहा है बट मैं परवाह करता हूं अपने देश के लिए अपने देश के अगर सारे बच्चे ऐसे करने लग गए तो भाई मानो कि एक टाइम के बाद जाके क्या होने वाला क्योंकि आज के टाइम पे ना ओमेगल के ऊपर जो कॉन्टेंट्स बनते हैं वो मैक्सिमम बनते लड़कियों के ऊपर आपने खुद देखा होगा कि भाई जो भी फॉरिनर लड़की आती है या फिर अपने इंडियन लड़की आती है ना सबके ऊपर कोई ना कोई पिकअप लाइन डाले जाते हैं मैक्सिमम तो एडल्ट के लाइन होते हैं एटीन प्लस के जोक्स होते हैं मतलब हर एक लड़की को ना जो ट्रीट किया जाता है वो एक डिसरेस्पेक्ट के साथ किया जाता है सबके अंदर एक ही चीज होता है तो हो फीमेल के प्रति अट्रैक्ट तो होंगे अगर फीमेल है तो मेल के प्रति अट्रैक्ट होंगे और ये कॉमन सी बात है एंड इसी कारण से हम लोग ना दोनों दोनों को जानना चाहते हैं दोनों दोनों को पहचानना चाहते हैं कि ये कैसे रिएक्ट करता है हम कैसे रिएक्ट करते हैं और उसी चीज का गलत एक बहुत ही गलत साइड जाता है बच्चों के अंदर भाई जो तेरह चौदह साल की उम्र के होते हैं ना जिनको अभी भी उतना लड़कियों से कैसे बात करना होता है क्या रिस्पेक्ट करना होता है क्या चीजें नहीं बोलनी चाहिए हमें उनको वो सभी चीजें उनको दिमाग में रहता नहीं है उस टाइम पे बट दे लर्न अगर कोई लड़की सामने आ जाए तो ऐसे बात करना चाहिए एंड मैं सीरियसली बता रहा हूं आज तक मैंने इतने सारे ओमेगल में जाके मैंने सारे वीडियोस डाला नहीं ऑब्वियसली क्योंकि मैं सिर्फ वहां पे कंटेंट बनाने के लिए नहीं कभी कभी चिल करने के लिए जाता हूं और सारी जो वीडियोस मैं रिकॉर्ड करता हूं जरूरी नहीं होता है कि मैं सब ही वीडियो को वहां पर अपलोड करूँ क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे टॉक्स भी होते हैं जो कि अच्छे टॉक्स होते हैं सीरियस टॉक्स होते हैं या फिर अगर मस्ती मजाक भी हो तो भी वो एक अच्छी तरीके से होता है तो मैं समझता नहीं हूँ कि भाई हर एक चीजों को देना चाहिए तो हर एक टॉक पे ना मेरे कहीं पे भी उस लड़की के प्रति कहीं पर भी डिसरेस्पेक्ट नहीं जाता है अगर मुझे ऐसा लगता है कि इस जगह पे मैंने इसकी डिसरेस्पेक्ट किया है डिसरेस्पेक्ट किसको बोलते पता है जब आप उसके किसी पर्टिकुलर पर्सनल चीज के बारे में आप बात करते हो आप अगर ट्रोल कर रहे हो रोस्ट कर रहे हो दैट इज समथिंग समथिंग डिफरेंट थिंग यू नो कोई रोस्टर जब गाली देता है उनमें कोई पर्टिकुलर किसी चीज को करने के लिए गाली नहीं निकलता है वो एक लॉजिक को समझाने के लिए देखो रोस्टिंग एक काइंड ऑफ क्रिटिसाइजिंग जैसा होता है या फिर कोई कमियां निकालने के बारे में होता है तो वहां पे ना वो बंदा जिसको क्रिटिसाइज कर रहा होता है या फिर रोस्ट कर रहा होता है उसकी कुछ बेसिक वीक पॉइंट्स पर कर रहा होता है या फिर ऐसे पॉइंट्स पर कर रहा होता है जिसपे शायद से किसी डायरेक्टली किसी बंदे पे कोई इंपैक्ट ही नहीं आता है उतना खास ज्यादा जो सुनने वाले होते हैं वो सुनते हैं और मजे ले लेते हैं बस दैट्स इट बट यहां पे ना जो होता है ये ओमेगल वाले प्रोसेस में यहां पे लोगों को लगता है कि भाई शायद से किसी से बात करने का यही तरीका हो सकता है और स्पेशली जो बच्चे होते हैं उन्हीं को ऐसा लगता है क्योंकि मैंने बताया ना कि भाई उनको बचपन से पता नहीं होता ना कि कैसे किसके साथ क्या बात करना सही होता है कैसे बात करना सही होता है दे लर्न फ्रॉम अस दे जस्ट ट्राई टू फॉलो अस एंड दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ और इसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब क्रिएट होती है जब ये सारी वीडियोस अपलोड की जाती है मतलब उनको पता भी नहीं होता है कई बार कि भाई ये चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है यस yes. मतलब मतलब देखो यार बहुत सीरियस सी बात है ऑब्वियसली अगर आप कल को जाके ओमेगल कर रहे हो और आपके परिवार वाले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और किसी ने आपका वीडियो बना लिया और उसको अपलोड कर दिया देन दिस वीडियो गोज़ वायरल एंड सम्भाव आपके किसी एक फैमिली मेंबर ने वो देख लिया आपके पड़ोसी वालों ने देख लिया एंड उन्होंने आके बताया कि आपकी लड़की देखो वहां पर जाके ये सब चीजें कर रही है इवन दो आपने कुछ किया ही नहीं है सारा मजाक सामने वाला नहीं किया है बट ब्लेम आप पे आएगा इल्जाम आपके आएगा क्योंकि आप शायद से आपके घर वाले आपको ज्यादा उस नजर से देखते हैं कि नहीं आपने क्यों किया ये काम ऑब्वियसली आपको बिना बताए कभी कभी रिकॉर्ड कर लिया जाता है जो कि मैं मानूंगा क्योंकि मैं खुद क्रिएटर हूँ मैं भी करता हूँ बट हाँ मैं जो भी करता हूँ मैं पहली बात तो भाई मैं कोई डिसरेस्पेक्ट क्रिएट ही नहीं करता हूं. मतलब ऐसी कोई बात नहीं करता हूं जिससे उस सामने वाले इंसान की वो चाहे लड़का हो या लड़की हो उसको कोई ऐसी चीजें सुननी पड़े मतलब या फिर ऐसी चीजें बतानी पड़े जिससे उसकी इमेज खराब हो एंड इन सब के बाद आता है सबसे बड़ी चीज वो है अपने कल्चर कल्चर के डिसरेस्पेक्ट करना मतलब हम लोग अपने एक ऐसे कल्चर में बड़े हुए हैं ना जिसपे बहुत ज़्यादा सिखाया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को कैसे सम्मान करना चाहिए हाउ टू मेंटेन द रेस्पेक्ट बिटवीन ईच आदर्स सिर्फ उसकी नहीं खुद की भी रेस्पेक्ट बनाए रखो ये सभी चीज़ें बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है यार मतलब लगने वाली भी चीज नहीं है दैट इज ट्रू वेरी ट्रू कि भाई ओमेगल जैसे प्लेटफॉर्म में जाके हम लोग अपना मजाक तो बनाते हैं कभी कभी और दूसरे का भी मजाक बना के हम अपने कल्चर को बहुत ज्यादा छोटा कर देते हैं जो कि हमारे कल्चर में कभी सिखाया ही नहीं गया है कि सामने वाले इंसान को ऐसे बेहसती करो ऐसे ट्रीट करो अब पता है क्या होता है इससे ना सामने वाला इंसान जो भी वो कंट्री से बिलोंग करता हो या फिर जहां कहीं से भी हो उसको ये मन ही मन लग जाता है कि यार ये बंदा ना ऐसे ही कल्चर में रहता होगा इसीलिए इसको ये होता है अब हमें

और सिमिलर थिंग हैपन होने की वजह से क्या होता है कल्चर पूरी तरीके से बदल जाता है दैट इज़ ऑल आई वॉन्टेड टू शेयर गाइज इसी से मेरा और बाकी लोगों का डिफरेंस क्रिएट होता है मैं जो कंटेंट बनाता हूँ ना उसमें मैं कभी भी किसी लड़कियों का डिसरेस्पेक्ट नहीं करता हूँ सबसे मेन चीज़ है मतलब मैं मेरे से होता नहीं यार मैं बहुत बार एक दो बार कोशिश भी किया हूँ कि यार कैसे करते हैं मतलब कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग कोई डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली जैसे पिकअप लाइन्स वगैरह हो जाते हैं कुछ ऐसी चीज़ों का प्रयोग कुछ ऐसी चीज़ें बताना लाइक like जो उसको शायद से उस टाइम के लिए मजा आ जाए बट ये मुझसे नहीं होता है कि सामने वाले को यार ऐसे डिसरेस्पेक्ट कैसे कर सकते हो और मेरे से वो सारी लैंग्वेज वो सारी वर्ड्स नहीं निकलती यार जैसे मैं गाली देता हूँ ऑब्वियसली आई ऑल्सो से बैड वर्ड्स टू माई फ्रेंड्स वैन एवर आई गो मतलब जब मैं खेलने के लिए जाता हूँ जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ कुछ भी करता हूँ बाहर जाता हूँ पार्टी वार्टी कुछ भी होता है ना तब जाके थोड़ा मोड़ा तो यूज सब लोग करते हैं यार उसमें कोई बड़ी बात नहीं है बट डिपेंड्स ऑन कि तुम किस सिचुएशन में किसके सामने कैसे बात कर रहे हो क्योंकि ये तुम्हारे सिर्फ तुम्हारे लिए ही बात नहीं है जिस कल्चर ने तुम्हें बड़ा किया है उस कल्चर के ऊपर सवाल होना शुरू हो जाएगा कल्चर का अल्टीमेटली मेरा कोई मोटिव नहीं है और ना तो कभी रहा है कि मैं किसी को भी छोटा करूँ या फिर मैं किसी को भी बदनाम करूँ बिकॉज आई हैव नॉट दिस काइंड ऑफ मैंटेलिटी एवो भाई ये काइंड ऑफ ट्रेंड से बन चुका है लड़कियों की बेइजत करो पिकअप लाइन्स मारो हंसी मजाक करो इफ दैट इज द कॉन्टेंट आई डोंट वॉन्ट टू क्रिएट सच काइंड ऑफ कॉन्टेंट वीडियो को मस्ट शेयर करना होपफुली जो भी लोग पॉजिटिविटी के साथ आए हो देखे हो अभी तक वीडियो को डेफिनेटली शेयर करना नेगेटिव कमेंट्स वाले शायद से अगर यहाँ तक देख रहे हो ना तो कहा कहीं ना कहीं तो मन में थोड़ा सा भी इतना सा भी चुभा होगा ये चीज़ कि भाई ये हो रहा है आ, अगर अभी तक नहीं समझो सो आई आई डोंट थिंक कि कभी समझने भी वाले हो बट या देट्स ऑल आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू गाइज क्योंकि कोई क्रिएटर ऐसे बताता नहीं है कि भाई ऐसे होता है वो होता है ये बहुत बहुत बड़ी चीज है यार इसके पीछे बहुत बड़ा कांड होता है आप पांच मिनट का देखते हो छ मिनट का सीन देखते हो हार्डली दस मिनट तक का एक वीडियो देखते हो लेकिन उसके पीछे तीन चार घंटे का मेहनत तो होता है लेकिन तीन चार घंटे में आप कई सारे ऐसे लोगों को फेस करते हो जिनको आप कभी दिखाना भी तक भी नहीं चाहते हो वीडियो में क्योंकि वो लोग सबके सब भाई मतलब खिनौने होते हैं यार लिटरली एडल्ट कंटेंट से शुरू होकर बहुत सारी ऐसी चीजें चलती है जो कि कभी आप शेयर ही नहीं करना चाहते बाकी चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सी यू गुड यूट्यूबर को